पच्चीस साल हो गए, बहुत दिक्कत होती है यहाँ तो। वो कह रहे हैं कि नहीं, सुनील शर्मा ने करवाया था सीवर लाइन, कुछ भी नहीं करवाया है यहाँ पे, सीवर लाइन डली है इसलिए टूट गया है। सीवर लाइन गिरवाई थी तो उसके बाद में तो सही नहीं करा गया ये। अच्छा, वैसे ही है फिर। हाँ, वैसे ही पड़ा हुआ है। जो बता रहे हैं बीजेपी को तो नहीं देंगे, किसी को भी दे। मैं फिर तो मेरा अमरपाल बचे। हाँ, जो भी है अमरपाल या जो भी है, क्योंकि इनसे तो हमारा जी भर गया है। अरे कोई, हम यहाँ की मोहल्ले की समस्या को लेकर जाते हैं तो बड़ी आप हमारे बाट में ही नहीं हो। एक पब्लिक की वजह से है यहाँ पे, डेली ये गाड़ियाँ आती है कूड़ा उठाने। अब पब्लिक की ऐसे फेंकेंगे तो क्या है, कूड़ेदान नहीं है, कूड़ेदान अंदर के लिए, बाहर फेंकेंगे तो क्या वहाँ पे मोदी उठाने आएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम यही जानना चाह रहे हैं। यहाँ पे कोई भी जो पुराना रहता है बता देगा कि कितने घुटने घुटने पानी होता था। नमस्कार, मैं हूँ फरहान और आप देख रहे हैं GLCC न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के नंदग्राम क्षेत्र में। यहाँ हम आए तो चुनावी सर्वे करने थे, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें और भी कुछ दिखा। यहाँ की सड़कें दिखी, कचरा दिखा, भरा हुआ पानी दिखा। तो लगा था जब हम बात कर रहे हैं लोगों से तो लोग कह रहे हैं विकास बहुत हुआ है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्रों को क्यों बेदखल कर दिया जाता है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक बार आप दिखाएँ इधर, ये कचरा दिखाएँ, गड्ढे दिखाएँ, पानी दिखाएँ, लोगों को डाइवर्ट भी होना पड़ रहा है इन गड्ढे और पानी की वजह से। थोड़ा करीब आ जाएं, करीब आ जाएं, ये इधर आएं, ये देखिए, ये गड्ढे देखिए, गड्ढे और ये कचरा देखिए, पानी देखिए। यहीं रहते हैं आप? ये है नंदग्राम। तो इस बार किसकी सरकार बुला रहे हैं भैया? सरकार तो बात की चीज़ है, पहला नंदग्राम को देख लो। कह रहा हूँ सरकार ने काम किया नहीं किया, पिछले 5 साल से कुछ भी काम नहीं हुआ नंदग्राम के अंदर। कौन है विधायक आपका? विधायक सुनील शर्मा बीजेपी के। तो ये काम नहीं कराया आपका? आप देख रहे हो, आपके सामने है, सच्चाई है। तो आपको मतलब बेदखल क्यों कर रखा है ऐसे? बेदखल क्योंकि ये कॉलोनी जो है ना जी, ये मलिन बस्ती में आती है। कह रहे हैं भाजपा सरकार ने सड़कें ऐसी कर दी है कि रेंगते हुए लौटते हुए कैसे भी निकल जाओ। रेंगते हुए बुरी हालत है, अगर कोई गिर पड़ा तो कितनी बढ़िया वाली मलाई मिलेगी। तो बदलाव मिल जाएगी इस बार विधायक में, होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? हम तो साइकिल पर चाहते हैं इस बार जो है। साइकिल पर? नाम क्या है आपका? मेरा महेश चंद। अरे तो मतलब भाजपा से दूर? नहीं, भाजपा से दूर नहीं, कार्यकर्ता से दूर। कार्यकर्ता ठीक नहीं है? हाँ जी, सुनील शर्मा का जो है कार्य ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा, और भी लोग मौजूद हैं, यहीं रहते हैं आप? हाँ जी। तो ये आपकी जो सड़क का हाल है, तो इससे आप दुखी नहीं है? हाँ दुखी है, बहुत दुखी है। तो कैसे? वो तो कह रहे हैं कि हम विधायक का बदलाव करेंगे, आप भी बदलाव के मूड में? हाँ जी बिल्कुल। जैसे कहा जाता है कि बीजेपी ने तो सड़कें एकदम चिकनी कर दी, लेट के जाओ, लौट के जाओ, कैसे भी जाओ। पहले से ऐसा है, पहले से ऐसा नहीं करवाती ना। अब बीजेपी आई है तो थोड़ा, बीजेपी के ही विधायक, बीजेपी के आने से तो थोड़ा बहुत सही भी हो गया है। बहुत सही हो गया है, है तो पहले तो बहुत सही हो गया। पहले कैसा था और इससे बुरा क्या था भैया? यहाँ पे घुटनों से ज्यादा पानी भरता था। अब तो सही कर दिया, बहुत सही कर दिया। ये नहीं कराया, ये पब्लिक की वजह से है। यहाँ पे डेली ये गाड़ियाँ आती है कूड़ा उठाने, अब पब्लिक की ऐसे फेंकेंगे तो क्या है? कूड़ेदान नहीं है, कूड़ेदान अंदर के लिए, बाहर फेंकेंगे तो क्या वहाँ पे मोदी उठाने आएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम यही जानना चाह रहे हैं। यहाँ पे कोई भी जो पुराना रहता है वो बता देगा कि कितने घुटने घुटने पानी होता था। सड़कें मतलब अभी भी वैसी नहीं है जैसी? सड़कें अभी बनी थी लेकिन फिर से सीवर लाइन डली है तो इसलिए खराब है, और अच्छा। पीछे से फिर से बनती आ रही है सड़कें, वरना सड़क सही हो गई थी। सड़क सही हो गई थी, सीवर लाइन डली है, फिर खराब हुई है, अभी फिर बन रही है दोबारा से। एक भाई मिले कह रहे हैं कि सुनील शर्मा आते नहीं है, कुछ काम नहीं करवाते। सही है ये सही नहीं है, बहुत काम हुआ है जब से बीजेपी आई है यहाँ पे। शर्मा फिर से यहीं पे आएंगे? बिल्कुल आएंगे, जीत के। बहुत सही, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखें, हम आपको और दिखा देते हैं गड्ढे वड्ढे, और भी लोगों से बातचीत करेंगे हम। हमें भी निकलने में हो रही है परेशानी। ये देखिए, ये यहाँ पे मौजूद हैं। अरे यहीं रहते हैं आप? हाँ जी सर, यहीं रहते हैं। ये गड्ढा वड्ढा कैसे है मतलब? ये तो 10 साल हो गए, बहुत दिक्कत होती है यहाँ तो। वो कह रहे हैं कि नहीं, सुनील शर्मा ने करवाया था सीवर लाइन, कुछ भी नहीं करवाया है यहाँ पे, सीवर लाइन डली है इसलिए टूट गया है। सीवर लाइन गिरवाई थी तो उसके बाद में तो सही नहीं करा गया ये। अच्छा, वैसे ही है फिर? हाँ वैसे ही पड़ा हुआ है, जो पड़ा है ये सब ऐसे ही रहता है। कूड़ादान नहीं है क्या? कूड़ादान वगैरह नहीं है? ये कूड़ादान ही है, ये ऐसा ही रहता है। ये गाड़ी नहीं आती क्या उठाने? सुबह सुबह आती है बस। फिर कैसे भरा है जब आती है? ये अभी फेंक जाते हैं लोग। सुबह साफ हो जाता है सारा? नहीं, सुबह को नहीं होता, कभी कभी रह जाता। अच्छा, तो आप दुखी हैं विधायक से कि सुखी हैं जो यहाँ हैं? बहुत संबंध ही दुखी है, मुझे कूड़े यहाँ से हटना है। बात कही जा रही थी कि थोड़ी बारिश हो जाए और भी पानी चलता है। मोदी जी का एक अभियान था स्वच्छ भारत, तो आप तक नहीं पहुँचा? नहीं जी, कुछ नहीं पहुँचा है। बस वही कूड़े वाली गाड़ी आते, बस गली गली मूतेंगे। विधायक का बदलाव होगा?
होना चाहिए जी विधायक का। तो आपका क्या मूड है? ओ हो जाए तो अच्छा ही है, साफ सफाई तो होगी। ये देखो और जा रहे हैं अंकल जी। अरे अंकल जी रुको रुको रुको, यहीं रहते हैं आप? हाँ जी। नाम क्या है आपका? भोले राम। ये गड्ढे अड्ढे हैं, कुछ परेशानी होती है? नहीं होती सारी परेशानी गड्ढे से परेशानी, कचरा भी है यहाँ, गंदगी है, बदबू बदबू फैलती है। तो मतलब जो सुनील शर्मा है विधायक आपके मौजूदा, तो उनसे दुखी हैं आप? सुखी हैं विधायक सुनील शर्मा से? सुखी हैं वैसे, दुखी हैं तो बदलाव होगा इस बार। सुनील शर्मा से तो दुखी नहीं है पर काम से दुखी है उनके। तो काम कौन कराएगा और विधायक नहीं कराएगा, मतलब वो वाली बात है। हमें भाजपा नहीं छोड़नी है। स्वच्छ भारत की स्कीम मोदी जी की यहाँ तक नहीं पहुँच पाई क्या? कहाँ जी? स्वच्छ भारत सब पहुँच रही है, तो फिर कैसे ये गंदा पड़ा है? ये तो इनकी नेताओं की गलती है, हमारी तरह ना मोदी जी की। आप दो राय में चल रहे हैं? नहीं जी नहीं, मोदी जी की गलती नहीं है इसमें। फिर किसकी गलती हो गई? ये तो इनके नेताओं की गलती है। अब उनको कौन टाइट करेगा फिर? बस हम भी कर सके वैसे तो, पर हम पे एकता नहीं, एकता नहीं, एकता नहीं है। तो करो टाइट करो, अपने क्षेत्र को दुरुस्त कराओ। चलो देखो वहाँ भी कुछ दुकानदार खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से मुझे ये नहीं पता मैं कहाँ से जाऊँ, अब मुझे रास्ता नहीं मिल रहा जाने का। अपनी जिम्मेदारी पे है सारा मामला? अच्छा अच्छा अच्छा, सारा मामला अपनी जिम्मेदारी पे है। थोड़े यहाँ दुकानदार भी खड़े हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं हम। बड़ी गंदगी है। अरे कैसे गड्ढे अड्ढे, गंदगी वंदगी है, सही लगता है आपको? ऐसे ही रहता है। तो कह रहे हैं जो विधायक हैं आपके सुनील शर्मा, वो यहाँ आते नहीं है? नहीं आते। तो कुछ काम वाम नहीं कराया? काम होता तो काम ही दिखता है यहाँ पे, देखता लो। तो नहीं, हमने भी एक व्यक्ति से बात करी यहाँ पे, कहने कह उन्होंने तो बहुत अच्छा करा दिया था, कहते तो दुनिया बहुत, लेकिन जनता कर देती है ये तो। जनता का कूड़ा लेकर आती है यहाँ पे? नगर निगम की गाड़ी वाड़ी नहीं आती गंदगी उठाने? नगर निगम आती है, पता नहीं कितने दिनों में आती है, हफ्ते में, दो हफ्ते में, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। फोन करना पड़ता जब आती है। तुम हमारे बाढ़ में ना, हमने कई बार शिकायत करी। तो इस बार कोई बदलाव कर रहे हैं अपनी विधानसभा? बदलाव होएगा। किसको जिता रहे हैं? बीजेपी को तो नहीं देंगे, किसी को भी दे में। फिर तो फिर अमरपाल बचे। हाँ जो भी है, अमरपाल या जो भी है, क्योंकि इनसे तो हमारा जी भर गया है। कोई हम यहाँ के मोहल्ले की समस्या को लेकर जाते हैं तो बड़ी आप हमारे बाढ़ में ही नहीं हो। एक बहुत अच्छी योजना आई थी स्वच्छ भारत की, वो आपके क्षेत्र तक नहीं पहुँच पाई लग रहा है? नहीं पहुंच पाई जी। अच्छा। तो विकास हो ही नहीं रहा कुछ भी, कुछ विकास। ये देख रहे हो गाय, देख रहे हो ये कभी कभी इसमें गिर जाती हैं नाले में, यहाँ पब्लिक इकट्ठे होकर निकालती है। गायों की बात भी याद आ गई कि यहाँ दो बड़े नेता थे, पहले दिखाओ ये सीन दिखाओ थोड़ा। दो बड़े नेता थे, एक चाय वाला कहते थे, एक को गाय वाला कहते हैं। तो गाय वाला ने गायों को ऐसे छोड़ रखा है, देखो गंदगी खा रही है ये। योगी जी की गाय है ये? हाँ, ये कोई सुरक्षा नहीं है, किसी को मार भी सकती हैं और खुद भी गिर सकती हैं नाले में। निकालते हैं, गिर जाती हैं फिर निकालते हैं। देखिए बता रहे हैं लोग, देखिए आए हैं, आज से ही बात करते हैं, कर लें, अरे कर लीजिए थोड़ी। अच्छा तो बदलाव के मूड में है जनता इस बार। हाँ, और प्रदेश में किसकी सरकार आनी चाहिए? राज्य में, यहाँ से सुनील शर्मा चलिए काम नहीं करते, बदलना है, राज्य में किसकी आनी चाहिए? साइकिल दौड़ेगी? साइकिल ही दौड़ेगी जी। साइकिल दौड़ानी है राज्य में? साइकिल ही दौड़ेगी। तो फिर तो फिर कह रहे हैं कि साइकिल आ गई तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, कहते हैं। कोई गुंडागर्दी नहीं होती। नहीं होती, ये सब वहम होता आदमी का। अच्छा, वहम होता है आदमी का। तो इस सरकार में सबसे बुरा क्या लगा आपको? इस सरकार में हर चीज बुरी लगी है, सब चीज बुरी। जैसे कि ये सांड देखो, गाय खुले में घूम रही है। इसके अलावा? और इसके अलावा गंदगी आपको दिख रही है? नहीं, गंदगी तो हम दूसरे मुद्दे से आए थे, गंदगी दिख गई तो हम गंदगी में हम डाइवर्ट हो गए। मैन हमारे लिए तो मैन यही है, सबको एक्सेप्ट कर दो, हमारे लिए मैन यही है। और महंगाई, महंगाई को लेकर कुछ दुखी है? नहीं, महंगाई दुखी तो है ही, महंगाई। वो दिखाओ, देखो फिर शुरू हो गया मामला गंदगी का। गाय ने अभी यहाँ पे पेशाब की, फिर गंदगी हो गई। यही रहते हैं तो एक्सीडेंट रोज होता है। सुनील शर्मा से खुश नहीं है आप भी? नहीं जी, खुश नहीं है जी। तो बदलाव होगा? बिल्कुल होगा जी। किसको बुला रहे हैं? जो भी आ जाए, हम तो ये सब सबके लिए खुश हैं हम तो।
लेकिन आने चाहिए, विकास होना चाहिए, हमारा तो विकास ही नहीं हो रहा है, देखो क्या हाल हो रहा है। गंदगी वंदगी के लिए कुछ कभी आपने उनसे कंप्लेन करी कि गंदगी वंदगी साफ करा दो? यहाँ हम लोग बोलते ही हैं, सब लोग बोलते हैं, हम ही क्या सभी लोग बोलते हैं उस चीज़ के बारे में, सब नहीं होता कोई, इसकी कई बार कंप्लेंट जाती है, कोई सुनवाई नहीं होती। अभी मैंने एक बंदे से बात करी, कह रहा है पहले तो यहाँ घुटनों तक भरा था, अब अच्छा करा दिया है, सीवर लाइन पड़ी इसलिए खराब हो गया। कह रहे सुनील शर्मा तो बहुत काम करते हैं ये रोड, भैया कभी सही से बना ही नहीं, अगर एक बार सही से बन जाते दोबारा टूटने का ही नहीं है। अच्छा अच्छा, तो मतलब मामला गंभीर है, मतलब काम होता है वो ही होता है, चालू काम, बस चालू काम करा, बस छुट्टी। आ जाओ थोड़ा और आ जाओ, ये विजुअल लेते चलो, ये बिल्कुल एकदम क्लोज वाले, एकदम गंभीर है मामला। और सबसे बड़ा मुद्दा गायों का है, देख लीजिए, कह रहे हैं नाले में गिर जाती हैं और फिर निकालना पड़ता है, लोगों को भी मारती हैं, गंदगी कचरा खा रही हैं। ये है गाय वाले हमारे मुख्यमंत्री, बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, गाय वाले मुख्यमंत्री हैं वो, ये हैं। यहाँ पर तो हम आए थे पब्लिक ओपिनियन लेने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ की खस्ता हालत देख के हमारा मुद्दा ही डाइवर्ट हो गया, हम चुनावी सर्वे को छोड़कर लग गए गंदगी दिखाने में और जनता से पूछने लगे। तो अब यहाँ जनता का ये कहना है कि जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं सुनील शर्मा, वो यहाँ आते नहीं हैं, बड़ा बदलाव चाहिए, जो स्वच्छ भारत की योजना थी यहाँ तक नहीं पहुँची है, ये बता रहे हैं। और देखिए आप देख सकते हैं कि गायें भी यहाँ पर कचरा वगैरह खा रही हैं, तो कहीं ना कहीं प्रदेश या केंद्र से गौशालाएं हैं उसके लिए तो फंड आता है ज़रूर, बीच में खाया जाता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो एक मुद्दा नहीं है यहाँ, तमाम जितने पूरे देश के मुद्दे होते हैं ना, वो एक क्षेत्र में ही है, और कहीं ना कहीं लोगों को देखकर भी क्षेत्र का एक चयन किया जाता है कि कहाँ विकास कराना है, कहीं ना कहीं एक स्तर देखा जाता है, मुझे लग रहा है वहाँ पर रहने वाले लोगों का। यदि पूंजीपति जितने भी लोग हैं मैं उनके क्षेत्र में जाता हूँ तो वहाँ एक गड्ढा भी नहीं दिखाई देता है, अगर आज गड्ढा दिखाई दिया है तो कल के दौरे में वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो एक हम कहें कि थोड़ा निम्न वर्ग की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ गड्ढे बढ़ते ही चले जाते हैं, हर बार आप जाएंगे गड्ढे का आकार आपको बड़ा मिलेगा। तो इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें, क्या सरकार पक्षपातपूर्ण रवैया रखती है वर्ग के अनुसार? यहाँ धर्म जाति की बात नहीं हो रही है, यहाँ कमेंट में आप धर्म जाति वाले कमेंट मत करिएगा, हम बात कर रहे हैं वर्ग की, क्या वर्ग को देखकर सरकार अपनी योजनाएं लागू करती है? इस संबंध में कमेंट अवश्य करें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और यदि फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।